आज की रेसिपी है साबूदाना खिचड़ी। इसके लिए हमें चाहिए साबूदाना, धो के पानी निकाल दिया है, करीब 3-4 घंटे भिगो दिए हैं, ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और हमें चाहिए कटे हुए आलू, इस तरह छोटे छोटे, मूंगफली रोस्ट की हुई है, इसे हम अभी पीसेंगे, नमक स्वादानुसार और काला मिर्च पाउडर। हम मूंगफली को दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली को इस तरह दरदरा पीस लिया है। आलू में हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे और थोड़ा सा नमक हम ये साबूदाना जो है इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो सेंधा नमक भी इसमें डाल सकते हैं। आलू को भी मिक्स कर देंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है ऑलरेडी पहले ही थोड़ा सा। अब ये आलू डाल देंगे उसमें। मैंने इसमें कच्चे आलूओं का प्रयोग किया है, आप चाहें तो उबले आलू भी ले सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। आलू अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसमें रोस्टेड मूंगफली डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी भीगा हुआ साबूदाना है इसमें ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। देखिए दाना दाने से एकदम अलग है और पूरी तरह गला हुआ है। आप इसमें चाहें तो अपने हिसाब से और मसाले डाल सकते हैं। हम लोग उपवास में ज़्यादा नहीं मसाले यूज़ करते, नमक और काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है, तो मैं इसमें काली मिर्च मिला रही हूँ। काली मिर्च मिलाने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए आपकी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब आप इसका स्विच ऑफ कर दीजिए। आपकी खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, कृपया लाइक करना ना भूलें। बनाइए, खाइए और उपवास में साबूदाना खिचड़ी का आनंद लीजिए। धन्यवाद।